गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थर्ड यूनिट चल रही थी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कारक धात्विक यौगिक। इस यूनिट के अंदर इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कारक धात्विक यौगिक, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उसका जो नोमेनक्लेचर है नामकरण किस प्रकार से करेंगे वो 5-6 प्रकार थे वो हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इसकी आज अपनी सेकेंड क्लास है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यानी कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कारक धात्विक यौगिक है उनका वर्गीकरण है वो 2-3 प्रकार से किया गया है, उन सभी को यहाँ पे पढ़ना है। इसके अंदर फर्स्ट दो क्लासिफिकेशन का जो बेस रहेगा वो रहेगा अपना क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एमसी बॉन्ड, यानी जो कारक धात्विक यौगिक कौन से होते हैं वे यौगिक जिनके अंदर एमसी बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा उनको हम क्या बोलते हैं कारक धात्विक यौगिक। ये जरूरी नहीं यहाँ पे मेटल ही हो, कार्बन से कम ईएन वाला कोई भी तत्व यहाँ पे हो सकता है, जनरली हम इसको मेटल ही मान लेते हैं, बाकी इसकी जगह नॉन मेटल्स भी हो सकती है। तो ये जो मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड की नेचर के आधार पे कारक धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण है वो किया गया है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो एमसी बॉन्ड की नेचर के आधार पे है, तो इसमें लिखा जाएगा कि कारक धात्विक यौगिकों में एमसी बंध की मेटल कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार कौन से रहेंगे देखिए, इसके अंदर फर्स्ट रहेगा आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक यौगिक, सेकंड रहेगा इसके अंदर कोवलेंट कंपाउंड यानी कि सहसंयोजक यौगिक, और थर्ड इसके अंदर रहेगा कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, थर्ड रहेगा इसमें कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको हिंदी में बोलेंगे विस्थानिकर पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। तो एमसी बंध की प्रकृति के आधार पर कारक धात्विक यौगिक 3 प्रकार के होंगे, आयनिक कंपाउंड्स यानी आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, और थर्ड रहेगा इसमें विस्थानिकर, इसको बोलते हैं विस्थानिकर पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। अब इन तीनों प्रकार के यौगिकों को हमें अलग अलग पढ़ना है, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, इनके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। तो फर्स्ट अपना रहेगा आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक यौगिक, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये लिखेंगे कि वे धातुएं जिनकी ईएन 1.2 या इससे कम होती है, 1.2 या इससे कम होती है, वे सभी धातुएं कार्बन के साथ में क्रिया करके इस प्रकार के आयनिक यौगिकों का निर्माण करती हैं। वे धातुएं जिनकी ईएन 1.2 या उससे कम होती है, वे सभी धातुएं कार्बन जिसकी ईएन रहेगी 2.5 से क्रिया करके जो यौगिक बनाएंगे उनको हम आयनिक यौगिक कहेंगे। क्यों कहेंगे इनको आयनिक यौगिक, क्योंकि धातुओं की ईएन तथा कार्बन की ईएन में अंतर अधिक होने के कारण, यानी कि कार्बन और धातुओं की ईएन में अंतर अधिक होने से ये जो बॉन्ड है इनके बीच का उसके नेचर कैसे हो जाएगी आयनिक, यानी कि दो परमाणु जो किसी बंध से जुड़े हुए हैं और दोनों परमाणुओं की ईएन में अंतर ज्यादा होगा तो उस बॉन्ड की नेचर कैसी होगी आयनिक होगी। जब ये बॉन्ड आयनिक है तो ये जो कंपाउंड है वो भी कैसा बनेगा आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो इतना आ गया समझ में। इसमें फर्स्ट लाइन लिखनी है कि वे धातुएं जिनकी ईएन 1.2 या उससे कम होती है वे धातुएं कार्बन के साथ में क्रिया करके आयनिक प्रकृति के कारक धात्विक यौगिक बनाती हैं। अब इसके अंदर देखो साथ में क्या आएगा, जो इसमें एग्जांपल्स के रूप में आएगा आयनिक कंपाउंड्स में जो बेस मेटल्स होती हैं अक्षार धातुएं यानी एस ग्रुप का जो पहले वर्ग की धातुएं हैं अक्षार धातुएं, उन सभी धातुओं की ईएन कम होने के कारण ये सभी धातुएं कार्बन के साथ में जुड़ करके आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगी। अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल देखें CH3Li मेथिल लिथियम, ये क्या है अक्षार धातु है, तो ये जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है और इस कारण से ये कंपाउंड्स है, ये जो कारक धात्विक यौगिक है मेथिल लिथियम है वो किस में रखा जाएगा आयनिक कंपाउंड्स के अंदर रखा जाता है। उसके बाद में इसके अंदर ये आता है, ये एग्जांपल हो गए इसमें
जितने भी अक्षर धातु है उनके कार्बन के साथ मिलकर बनने वाले यौगिक है वो इसके एग्जाम्पल में रहेंगे। उसके बाद देखें आप इसके अंदर, इसमें आता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जब उन आयनिक कंपाउंड्स का क्या होगा, विद्युत अपघटन या फिर अपघटन करवाया जाएगा। C2H5Na इसका अपघटन करवाएंगे तो क्या बनेगा, अब पता है कार्बन की ईएन ज्यादा है और सोडियम की ईएन कम है, ठीक है, धातु की ईएन कम है, कम ईएन वाले पे चार्ज आता है पॉजिटिव और अधिक ईएन वाले पे चार्ज रहेगा नेगेटिव। इसका वियोजन हो गया, आयनिक यौगिकों का वियोजन होने से क्या बन गए, आयंस बन गए, और ये आयंस है वो क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। इस कारण से हम ये कहेंगे कि जो आयनिक कारक धात्विक यौगिक है उनके अंदर आयनिक चालकता पाई जाती है। जब चालकता आयनों के कारण उत्पन्न होगी तो उसे हम बोलेंगे आयनिक चालकता। तो जो आयनिक यौगिक है उनके अंदर आयनिक चालकता पाई जाएगी, और विद्युत अपघटन करवाने पे जो इनका ऋणायनिक भाव होता है, ऋणायनिक कार्बनिक जो समूह होता है वो जाएगा एनोड के ऊपर, और जो धनायनिक धातु आयन होता है वो इसके अंदर कहाँ पे जाएगा, विद्युत अपघटन के अंदर हम दो पोल लेंगे एनोड के थोड़, तो ये तो अपने विपरीत आवेशित एनोड की तरफ जाएगा, और जो धातु का धनायन है वो अपने विपरीत आवेशित के थोड के ऊपर चला जाता है। ये था इसका आयनिक कंपाउंड की विशेषता की है, ठीक है। इसके अलावा एक विशेषता और है कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सोलवेंट जैसे H2O है उसके अंदर क्या होंगे, विलेयशील होंगे, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो पोलर नेचर के होंगे, ध्रुवीय प्रकृति के होंगे, तो समान समान को घोलता है उस आधार पे ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगे, जबकि अध्रुवीय पदार्थ है वो अध्रुवीय पदार्थों में विलय होंगे। तो जो आयनिक कंपाउंड्स है वो ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण ये ध्रुवीय विलायक H2O में तो विलेयशील होंगे, तथा जितने भी अध्रुवीय विलायक हैं जैसे CCl4 हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, इन सभी के अंदर ये क्या रहेंगे, अविलेय रहते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट टाइप आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक यौगिक। उसके बाद सेकंड टाइप रहेगा इसके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड्स या सहसंयोजक यौगिक। तो इन ये यौगिक कौन से होते हैं, वे यौगिक जो नॉन मेटल्स, बताया था ना इसमें नॉन मेटल्स भी हो सकती है मेटल की जगह, वे यौगिक जो नॉन मेटल्स या 1.2 से ज्यादा ईएन वाली धातु व कार्बन से व कार्बनिक समूह से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, सहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। सहसंयोजक यौगिक कौन से होते हैं, जब ये जो MC बॉन्ड होता है इस बॉन्ड में धातु और कार्बन या अधातु और कार्बन की ईएन में अंतर कम होगा, ईएन में अंतर कम होगा, तो ये जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड रहेगा कोवेलेंट या सहसंयोजक बॉन्ड। तो ये यौगिक भी क्या होंगे, सहसंयोजक यौगिक होंगे। तो अधातुएं तथा 1.2 से अधिक ईएन वाली जो मेटल्स हैं वे जब कार्बन के साथ जुड़कर जो यौगिक बनाते हैं उन्हें हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। आगे समझ में, और इस प्रकार के जो यौगिक हैं उनके अंदर धातु कार्बन MC बॉन्ड है वो सहसंयोजक प्रकृति का सिग्मा बंध होता है, इस कारण से यौगिक है वो सहसंयोजक यौगिक कहलाएंगे, क्योंकि इन यौगिकों में कार्बन और मेटल की ईएन में अंतर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये तो लिखी जाएगी डेफिनेशन की अधातुएं तथा 1.2 से अधिक ईएन वाली धातुएं जब कार्बन के साथ जुड़कर जो यौगिक बनेंगी उनको हम कोवेलेंट या सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं, तथा इसमें कार्बन और मेटल के बीच का जो बॉन्ड है वो सहसंयोजक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब इसके अंदर आप एग्जांपल देखें, एग्जांपल में आ जाएगा C2H5 2 जिंक, यानी कि जो डाई मेथिल जिंक है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। और इसमें आता है ये जो एग्जांपल, इसके अंदर धातुएं भी आती हैं और अधातुएं भी आती हैं। अब नेक्स्ट आप अधातु का एग्जांपल देखें CH3 3 3 बोरोन, इसको हम बोलेंगे ट्राई मेथिल बोरोन। ये क्या है, अधातु है और ये क्या है, धातु है। इसके अंदर धातु और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसमें अधातु और कार्बन के बीच में बॉन्ड है।
इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखें, C2H5TriCl3TriEthylAluminium। तो ये तीनों इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ए धातु है और एल्यूमिनियम और जिंक दोनों ही क्या धातु हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक दोनों की ईएन है वो 1.2 से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। कार्बन की ईएन रहेगी आपके 2.5, तो 1.2 और 2.5, 1.2 से ज्यादा हो गई है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम होने से यहाँ पे जो एमसी वाला बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड की प्रकृति कैसी होगी, कोवलेंट नेचर रहेगी। इस कारण से ये जो बॉन्ड है वो जो यौगिक होंगे वो कौन से होंगे, सहसंयोजक यौगिक है वो होते हैं। उसके बाद इसके अंदर अपना तीसरा प्रकार आएगा, ठीक है, तीसरा प्रकार रहेगा इसके अंदर अपना कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, यानी कि विस्थानीकृत, इसको हमने बोलते हैं विस्थानीकृत, डीलोकलाइज्ड को विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंद युक्त यौगिक। इसके अंदर देखो क्या आएगा कि ये कंपाउंड्स हैं, यानी इस प्रकार के कंपाउंड्स हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स या संक्रमण धातुओं के द्वारा बनाई जाती हैं। फर्स्ट लाइन लिखी जाएगी इसके अंदर कि ये यौगिक संक्रमण धातुएं यानी डीप ब्लॉक की जो धातुएं हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, मुख्य रूप से एल के अलावा पी ब्लॉक की और जो एस ब्लॉक की धातुएं हैं वो भी इस प्रकार के यौगिक बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं के द्वारा इस प्रकार के यौगिक है वो बनाए जाते हैं। सेकेंड लाइन ये थी कि संक्रमण धातुओं के द्वारा ही क्यों बनाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो इसमें रहेगा कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं डी ब्लॉक की धातुएं उनके पास भरे हुए डी कक्षक के साथ में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि संक्रमण धातुओं में धातु परमाणु के पास भरे हुए कक्षकों के साथ साथ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से इस प्रकार के यौगिक मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इस प्रकार के यौगिकों में क्या होता है कि जो धातु है वो लिगेंड के रूप में यहाँ जो कार्बनिक समूह उपस्थित होता है तो इसके अंदर पहले क्या करेगा, कार्बनिक समूह है अपने इलेक्ट्रॉन धातु को देगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। उसके बाद में क्या आएगा कि धातु के पास है वो रिक्त कक्षकों के साथ साथ भरे हुए कक्षक भी उपस्थित होंगे, उन भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के रिक्त विपरीत बंधे वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के पास जाएंगे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉनों क्या हो रहा है यहाँ पे विस्थानीकृत हो रहा है, तो पाई इलेक्ट्रिक बॉन्ड विस्थानीकृत युक्त यौगिक है वो इसमें आएंगे। इसमें आ रहा है धातु के पास में रिक्त कक्षक के साथ साथ में भरे हुए कक्षक भी होंगे, ये धातु का रिक्त कक्षक ये भरे हुए कक्षक, यहाँ पे जो कार्बनिक समूह लिगेंड के रूप में होगा उसके पास भरे हुए कक्षकों के साथ में रिक्त विपरीत बंधी कक्षक होती है, जो वेकेंट ऑर्बिटल है कार्बनिक ग्रुप पे उसको बोलेंगे हम वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, यानी रिक्त विपरीत बंधी कक्षक। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन जब धातु के भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बनिक समूह के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों की तरफ जाते हैं तो वहां पे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। इस कारण से इस यौगिकों को बोला हमने स्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। उसमें आता है कि ये यौगिक तीन प्रकार के होते हैं, इन्हीं यौगिकों को आगे तीन भागों में विभाजित किया गया है, वो कौन से रहेंगे, फर्स्ट टाइप रहेगा इसके अंदर ब्रिज बॉन्डेड एल्किल कंपाउंड्स। नीचे लाएंगे कि इन यौगिकों को ये यौगिक तीन प्रकार के होते हैं, जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले यौगिक हैं वो तीन प्रकार के होंगे। अब ये तीन प्रकार कौन से रहेंगे इसमें वो देखें आप, पहला रहेगा ब्रिज बॉन्डेड एल्किल कंपाउंड, सेतु बंध युक्त एल्किल यौगिक। फर्स्ट रहेगा ब्रिज बॉन्डेड एल्किल कंपाउंड, हिंदी में बोलेंगे इसको सेतु बंधित एल्किल यौगिक, ठीक है। इसके अंदर आएगा जो कार्बनिक समूह है वो क्या रहेगा, एल्किल रहेगा, अपना कार्बनिक समूह क्या रहेगा, एल्किल रहेगा, और ये जो यौगिक है वो मुख्य रूप से एल्यूमिनियम के द्वारा, बोरोन के द्वारा या लिथियम के द्वारा या फिर संक्रमण धातुएं हैं उनके द्वारा बनाए जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन धातुएं आएंगी। इन यौगिकों में कार्बनिक समूह के रूप में कोई एल्किल ग्रुप होता है तथा धातु के रूप में या फिर मेटल के गैस में एल्यूमिनियम, बोरोन या फिर
एल्यूमिनियम बोरोन या लिथियम है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर रखते हैं ये धातुएं, इन धातुओं के द्वारा जो कंपाउंड्स बनते हैं ना कायर धात्विक यौगिक, उन यौगिकों में इन धातुओं का जो अष्टक होता है ऑक्टेट वो कंप्लीट नहीं होता है, यानी कि ये कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, यानी कि इन धातुओं के द्वारा एल्किल ग्रुप से जुड़कर जो कार्बन धात्विक यौगिक बनते हैं वो यौगिक बनने के बाद भी इन धातुओं का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, इस कारण से इन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की श्रेणी में रखा जाता है, यानी ये कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। उसके बाद अगर ये अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए ब्रिज बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, कोई भी दो कंपाउंड्स है वो आपस में सेतु बंध बनाकर एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का है CH3 ट्राइएथिल एल्यूमिनियम, सॉरी ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम, ठीक है, ये रहेगा अपना कंपाउंड्स, एग्जाम्पल रहेगा इसका। अब ट्राइएथिल एल्यूमिनियम किस प्रकार से होगा, एल्यूमिनियम दो CH3 जुड़े हुए इसके साथ में और तीसरा CH3 हमें याद हो गया। अब एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन, तीनों CH3 एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब इसके अंदर दो चार और छह इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि कंपाउंड बनने के बाद में केंद्रीय परमाणु का अष्टक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलेंगे। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरा जो AlCH3 इसका जो अणु है उसके साथ में जुड़ जाएगा, जैसे ये CH3 है, ये CH3 है और यहाँ पे ये आ गया इसका CH3। अब इसका भी सेम यही कंडीशन है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या करेंगे कि ये जो एल्यूमिनियम है दूसरे AlCH3 कंपाउंड के साथ में जो CH3 है उसके साथ में ब्रिज बॉन्ड से जुड़ेगा, इसी प्रकार से ये वाला ब्रिज बॉन्ड बना देता है। ऐसा बनने के बाद में इस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, उसी प्रकार से इस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो बॉन्ड बनते हैं जिसके द्वारा दो AlCH3 थ्राइस के अणु आपस में जुड़े हुए हैं उनको क्या बोलेंगे ब्रिज बॉन्ड, या इसके अंदर क्या कहा जाएगा सेतु बंध है वो कहा जाता है। इस कारण से इन यौगिकों को सेतु बंध युक्त एल्किल यौगिक कहेंगे। उसके बाद में आता है ये जो बॉन्ड है वो किस प्रकार के होते हैं, ये जो बॉन्ड है दो सेंटर है इसके और इसके दो सेंटर के बीच में बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जबकि इस वाले के अंदर देखो इस बॉन्ड के अंदर 1, 2, 3 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन केवल दो, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ये वाले इसके अंदर, ठीक है, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जो कितने बनेंगे 1, 2, 3 सेंटर और इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो, तो ये जो दो ब्रिज बॉन्ड बनते हैं तो ये वाला और एक ही नीचे वाला, ये किस प्रकार के होंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो कहा जाएगा कि इन यौगिकों में 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ साथ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये एल्यूमिनियम के अलावा बोरोन और लिथियम धातु हैं उसके द्वारा भी इस प्रकार के यौगिक हैं वो बनाए जाते हैं। ये जो ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम है उसकी ये क्या है द्विलक संरचना है, डाइमर है, क्योंकि ट्राइमेथिल एल्यूमिनियम के दो अणु आपस में जुड़े हुए हैं तो ये इसके क्या बन जाएगी सेतु बंध युक्त द्विलक संरचना का निर्माण है वो हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइप आएगा इसके अंदर सैंडविच कंपाउंड्स, इसके अंदर आएगा कि इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनमें दो पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक रिंग के बीच में एक धातु परमाणु है वो जुड़ा हुआ रहता है, धातु परमाणु की संख्या रहेगी एक और एरोमेटिक रिंग यानी जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन हो अल्टरनेटिव क्रम में उनकी संख्या रहेगी दो, तो उन दो रिंग के बीच में एक धातु परमाणु है वो जुड़ा हुआ रहता है। अब इसके अंदर दोनों धातु परमाणु इन धातुओं की जो एरोमेटिक रिंग है इसके पाई इलेक्ट्रॉन और धातु परमाणु के जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या रहेगा विस्थानीकरण रहेगा, इनके बीच में पाई बॉन्ड्स हैं,
यानी इन एरोमेटिक रिंग के जो पाई बॉन्ड्स हैं वो धातु के जो रिक्त दीप अक्षकों में जाते रहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस प्रकार के यौगिकों में दो पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक रिंग के बीच में एक धातु परमाणु जुड़ा हुआ रहता है तथा धातु परमाणु के रिक्त दीप अक्षकों तथा एरोमेटिक रिंग के पाई एरोमेटिक रिंग के बीच पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता रहता है। विस्थानीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे जगह जाते रहते हैं। तो इन यौगिकों में धातु परमाणु के रिक्त दी कक्षकों तथा एरोमेटिक रिंग के बीच में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता रहता है। तो धातु परमाणु होता है वो दोनों एरोमेटिक रिंग के बीच में इस प्रकार से उपस्थित रहता है कि इस धातु की इस एरोमेटिक रिंग से जो दूरी होती है ना, यानी ये जो एमसी बॉन्ड की दूरी है वही एमसी बॉन्ड की दूरी है वो नीचे वाले रहेगी। तो कहने का मतलब है कि धातु परमाणु दोनों एरोमेटिक रिंग के बिल्कुल बीच में स्थित होगा कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या रहेगी, समान रहेगी। अब धातु परमाणु इन दोनों के बीच में पैक रहता है, इसी कारण से इन यौगिकों को हम सैंडविच कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका एक एग्जांपल देखें आप। इसमें लाइन क्या लिखी जाएगी कि इस प्रकार के यौगिकों में दो पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक रिंग के मध्य में एक धातु परमाणु उपस्थित होता है तथा धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षकों व एरोमेटिक रिंग के बीच में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता रहता है तथा धातु परमाणु दोनों एरोमेटिक रिंग के बीच में इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है कि दोनों रिंग से जो एमसी बंद दूरी है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। तथा धातु परमाणु इनके बीच में इस प्रकार से पैक रहता है, इस प्रकार से पैक रहेगा कि दोनों की जो दूरी है, दोनों रिंग की दूरी धातु से क्या रहेगी, समान रहेगी। इसी कारण से इन यौगिकों को सैंडविच कंपाउंड्स कहा जाता है। उसके बाद में एक एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल इसका वो रहेगा आपका बिस साइक्लो पेंटा डाई इनाइल आयरन। ये आपका एग्जाम्पल रहेगा बिस साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन, फेमस एग्जाम्पल। इस नाम से नहीं जानते लेकिन इसको इस नाम से जाना जाता है, वो सभी जानते हैं, फेरोसिन है ये, इसी का ये पेश नाम है बिस साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन। ये जो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन है उसकी संख्या दो रहेगी, यानी ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है पाई इलेक्ट्रॉन युक्त, ये दो है इसलिए इनकी संख्या दर्शाने के लिए यहाँ 20 लिख दिया। और ये दोनों रिंग के बीच में धातु परमाणु क्या रहेगा, आपका आयरन रहेगा। तो इसके स्ट्रक्चर बनेगी इस प्रकार से, आयरन इनकी इस यौगिक में आयरन दो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल रिंग के बीच में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसकी स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बना सकते हो, ये फर्स्ट साइक्लोपेंटा डाइनिल आयरन है, इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। साथ में इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सेम एक ऐसी स्ट्रक्चर ही हम यहाँ बना देंगे, ये बन गई। अब इन दोनों से ये आयरन जुड़ा हुआ रहेगा, इसी का नाम क्या है आपके, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल आयरन है। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी +2, क्योंकि -1 इसका है और -1 इस रिंग का है, -1 -1 बराबर की इस साइड जाएगा तो क्या बनाएगा, ये +2 बनाएगा। तो ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे इस रिंग से इस आयरन की दूरी और इस रिंग से इस आयरन की डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये था एग्जाम्पल आपके फेरोसिन का, अगर इसमें ये गोला नहीं बनाए तो यहाँ पे ऐसे बना के और यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज इसके अंदर ये लिख दिए कि यहाँ बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये था आपका सेकंड प्रकार। तीसरा प्रकार है इसमें ओलिफिन या एसिटाइलिन कंपाउंड। इन ओलिफिन में क्या आता है, डबल बॉन्ड, और एसिटिलिन में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सबसे पहली लाइन लिखी जाएगी, ये यौगिक भी संक्रमण धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। इन यौगिकों के अंदर संक्रमण धातु में द्विबंध युक्त किसी यौगिक या त्रिबंध युक्त किसी यौगिक के साथ में जुड़ी हुई होती है। ये यौगिक संक्रमण धातुओं के द्वारा बनाए जाएंगे और इन धातुओं में संक्रमण धातु है वो इन यौगिकों में संक्रमण धातु द्विबंध युक्त
या त्रिबंध युक्त किसी योगी के साथ में, किसी एल्किन या एल्काइन के साथ में जुड़ी हुई होगी। अब इनके अंदर होगा क्या, वो देखें कि इनके अंदर द्विबंध या त्रिबंध युक्त, इसमें भी फाइव इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर भी फाइव इलेक्ट्रॉन है, एक बोन फाइव का है, इसके अंदर दो बोन फाइव है। तो इन यौगिकों में पाई इलेक्ट्रॉन युक्त जो यौगिक है वो संक्रमण धातु है। तो पहले इसके अंदर क्या होगा, वो देखें कि धातु के रिक्त कक्षकों में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद में धातु के जो भरे हुए डी कक्षक है उनसे इलेक्ट्रॉन, ये जो एल्किन और एल्काइन है उनके जो रिक्त विपरीत बंधी कक्षक है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो जाते हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण एल्किन या एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉनों के धातु के रिक्त कक्षक में जाने से तथा धातु के भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन एल्किन या एल्काइन के रिक्त कक्षकों में जाने से इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण है वो होता है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही। ये दो लाइन लिखने के बाद में थर्ड लाइन इसके अंदर ये लिख दी जाएगी कि इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण धातु के जी आपका पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उसी प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, उसी के साथ में कार्बन के ऊपर क्या होंगे, रिक्त विपरीत बंधी कक्षक होंगे। ये धातु का रिक्त कक्षक है और ये धातु के क्या है, भरे हुए कक्षक है। इसको देखिए क्या लाइन लिखनी है कि इस प्रकार के यौगिकों में एल्किन या एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन है वो धातु के रिक्त कक्षकों में जाते हैं जिससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद में धातु के ये भरे हुए कक्षक हैं इनसे इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन है वो एल्किन या एल्काइन के रिक्त विपरीत बंधी कक्षकों में जाते हैं जिससे यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण है वो होता है। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, आगे समझ में। उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या आता है, ये हो गया यहाँ पे एल्काइन भी हो सकता है, एल्काइन हो गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये था आपके ओलिफिन और एसिटिलीन है वो कंपाउंड्स, यहाँ पे यानी ओलिफिन बोलेंगे एल्किन को और एसिटिलीन बोलेंगे हम एल्काइन को बोलते हैं। इसके अंदर आ जाएगा ये धातु का क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, ये धातु के भरे हुए कक्षक है, ये कार्बन या फिर ये क्या है ओलिफिन या एल्काइन के भरे हुए कक्षक है और ये क्या है इनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल्स, इसको हम बोलेंगे विपरीत बंधी रिक्त कक्षक इनको कहा जाएगा। ये थे आपके कंपाउंड विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, तीन प्रकार हो गए। उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एमसी बॉन्ड, यानी एमसी बॉन्ड की प्रकृति के आधार पे जो वर्गीकरण है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम कल लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।